बैठे बैठे मन के अंदर एक विचार बनया सी, सोचिया तुहाडे सारयां दे नाल ओह शेयर कर दईए। चलदे हुए साहां दे नाल जिंदगी बसर करदे वक्त सानू धर्म की भी लोड़ पैंदी है, धन की भी लोड़ पैंदी है, परिवार की भी लोड़ पैंदी है और प्रभुता की भी लोड़ पैंदी है। हुण इन्हां चारां विचों वेखण वाली गल ये है कि किस दी लाइफ विच, किस दे जीवन विच किहड़े बंदे ने इन्हां चारां विचों किन्नूं ज़्यादा अहमियत दित्ती है। जे धन नूं ही ज़्यादा अहमियत मिल गई लाइफ दे अंदर तो फिर धर्म नूं भी वरत्या जा सकदा है सिर्फ धन कमाउण वास्ते, जिन्हों आपां ठेठ पंजाबी दे अंदर कह दिंदे आ फलाने बंदे ने धर्म नूं भी धंधा ही बना के वरत्या। जे धन नूं ही अहमियत ज़्यादा मिल गई तो परिवार नूं भी पिछे किया जा सकता है। यही कारण है भाई भाई का कातल है, भैन भरा का वैर विरोध है, बहस बसैया है, कारण नगुणा जा धन पिछे जाके लभीए कारण तो यही मिलता है, थोड़े धन का रौला सी ज़्यादा का भी नहीं। परिवार पिछे किया जा सकता है, धर्म नूं वरत्या जा सकता है, धर्म नूं पिछे किया जा सकता है, प्रभुता नूं छड्या जा सकता है, क्योंकि जदों लोग गुनाह दे पेंडे तुरन दा यतन करते ने ते ओ ये प्रभुता नूं छड के तुरन दा यतन करते ने, उन्हां नूं पता है जेल भी हो सकती है, नां दे उत्ते दाग भी लग सकता है। पर इस तरह हुंदा है चाहे वह धार्मिक लीडर ने, चाहे वह राजनीतिक लीडर ने, या वड्डे आगू बुलारे ने, वो कह देंदे ने कोई गल नहीं थोड़ी बहुत ठेस लगेगी ना नूं लगे पर धन तो आ रहा ना, क्योंकि महानता तुहानूं मिली है। नंबर दो दे उत्ते अगर परिवार नूं ही सारी महानता है तो फिर परिवार के बदले समा धन कमाउण वास्ते थोड़ा मिलेगा। अगर धन कमाउण वास्ते समा थोड़ा मिलिया है तो जरूरी गल है फिर शौक भी मुकम्मल तौर दे उत्ते पूरे नहीं कर सकेगा। हुण इन्ने धन नूं भी पिछे कर दिता है, प्रभुता नूं भी पिछे कर दिता है, तो धर्म की सूझ ना होण दे कारण धर्म तो है ही पिछे। बहुत थोड़े लोग होंदे ने जिन्हां दी जिंदगी दे अंदर धर्म अगे हुंदा है, वरना पिछे चलता है और सिर्फ गल्लीं बातें चलता है, जीवन दे विच चलता नहीं। धर्म की गल करनी एक होर अर्थ रखती है, धर्म नूं अपलाई करना, धर्म नूं मन के चलना एक होर अर्थ हुंदा है और असलियत हुंदा है। हुण जिसने प्रभुता नूं अगे रखिया है वो धन वरत लैंदा है प्रभुता बनाउण वास्ते, ना बनाउण वास्ते धन वरत लैंदा है, परिवार वरत लैंदा है, समाज नूं वरत लैंदा है, मेरा नाम बनना चाहिए है। और ये बने हुए नाम नूं जे कोई मामूली जी भी चोट पहुँचाउण दा यतन करता है उहदे नाल इहदा फिर वैर शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरी प्रभुता नूं इहने ढा लाउण दा यतन किया। हुण इहनां दे विच धर्म जिदा मैं जिक्र कर रहा नंबर चार दे उते, पर होना चाहिए सी नंबर एक दे उते। धर्म जिस मनुख ने अपनी जिंदगी दे अंदर अब्बल दर्जे ते ले आंदा, धर्म नूं अहमियत दे दित्ती, धर्म जीवन दे अंदर रीढ़ दी हड्डी दे तरह चल पिया, उन्हूं फिर जुगत मिल जाती है धन कमाउण दी, कि धन कमाउणा किवें है। तो धर्म यह सिखाउंदा है कि हक पराया नानका उह सूअर उस गाएं, धर्म यह गल सिखाउंदा है कि बहु प्रपंच कर परतन लियावै सुत दारा पै आन लटावै, मन मेरे भुले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। धर्म यह गल सिखाउंदा है धन कमाउणा किवें है। धर्म यह गल सिखाउंदा है कमाए हुए धन नूं वरतना किवें है। धर्म यह गल सिखाउंदा है भी परिवार विच रहना किवें है। जिहड़ा रिश्ता गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के अंदर बनता है चौथे दिन वह कचहरियां के अंदर खलोता होंदा है, क्यों? क्योंकि धर्म नूं अहमियत जीवन के अंदर तुसीं दित्ती नहीं। भैन भरा भाई भाई माँ बाप धियां पुत आपस के अंदर रिश्ते बिखरते नज़र आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जीवन के अंदर प्यारे वो धर्म नहीं है। अगर धर्म नूं अहमियत दे के चलोगे तो जीवन सुखाला बन जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, चाहिदा सब कुछ है पर आपको अपनी जगह पर चाहिदा है, आपको अपने नंबर पर चाहिदा है, आपको अपनी अहमियत पर चाहिदा है। माँ नूं माँ वाला दर्जा मिलना चाहिदा है, पत्नी नूं पत्नी वाला दर्जा मिलना चाहिदा है, धी नूं धी वाला दर्जा मिलना चाहिदा है। जदों दर्जा बाद दर्जा असीं सब दा सत्कार करांगे रिश्ते बिखरदे नहीं। धर्म जुगत देंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।